नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज में। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आज तीसरे दिन सदन चला, कई सारे लोग मौजूद थे। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर मोकामा विधायक अनंत सिंह भी पहुंचे थे। चूंकि अनंत सिंह मीडिया के कैमरों से तो बच गए, लेकिन लाइव सिटीज के कैमरे से नहीं बच पाए। उन्होंने इन दिनों सरकार जिस तरह से अनंत सिंह के लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रही है, जब हमने उनसे सवाल पूछा है तो क्या उन्होंने कहा है, पहले आप वो सुने। लगातार आपके लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सरकारें हैं उनका क्या होगा? अच्छा, कोई खास मकसद लगता है क्या आपको? नहीं, कोई सर बात नहीं। लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं वो निकाला जाए, लोकसभा तो सरकार है। लगातार आपके लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सरकारें हैं उनका क्या होगा? अच्छा, कोई खास मकसद लगता है क्या आपको? नहीं, कोई सर बात नहीं। लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं वो निकाला जाए, लोकसभा तो सरकार है। तो ये थे मोकामा विधायक अनंत सिंह। 2019 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह आज सदन में मौजूद थे, सदन आए थे, और चेहरे पर एक खुशी थी। जब हमने उनसे पूछा कि इन दिनों जो आपके लोग हैं, आपके करीबी लोग हैं, उन पर जो है सरकार जो है वो कार्यवाही कर रही है, क्या कहेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि सरकार ही उनकी है तो क्या कहा जाए। जब हमने उनसे पूछा कि कोई खास वजह लगती है क्या, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई खास वजह नहीं लगती है, सरकार ही उनकी है तो क्या कहा जाए। उन्होंने इसी बात को एक दो बार और रिपीट किया है। आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी। बड़ी मेहनत की थी नीलम देवी ने, उनके साथ में अनंत सिंह भी चुनाव में वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहे थे। काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी मशक्कत के बाद नीलम देवी को टिकट मिला था। कांग्रेस ने अनंत सिंह के वर्चस्व पर उन्हें, उनकी पत्नी को ये टिकट दिया था, और काफ़ी मेहनत अनंत सिंह ने भी इस टिकट पर की थी। लेकिन 2019 लोकसभा चुनावों में जो मोदी लहर थी, या यूं कहें मोदी सुनामी थी, उसमें सब उड़ गया, जिसमें अनंत सिंह भी शामिल थे। आज अनंत सिंह इस सदन की कार्यवाही में मौजूद थे, और एक नज़ारा आपको अंदर का बताते हैं। हालांकि किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ है, लेकिन हम वहां पर मौजूद थे और हमने वो नज़ारा देखा। दरअसल जब अनंत सिंह सदन की कार्यवाही जब 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, और जब वो बाहर निकल रहे थे, तो सदन में जो पोर्टिको है, पोर्टिको की सीढ़ी पर वो अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। वो जब अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, उसी वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की गाड़ी आती है। सुशील मोदी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अनंत सिंह और सुशील मोदी की एक मुलाकात होती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये नज़ारा अपनी आंखों से देखा है। सुशील मोदी और अनंत सिंह की मुलाकात होती है, इसको अनझटके में एक की गई मुलाकात कह सकते हैं। चूंकि आमना सामना होता है राजनीति में, यूं तो लोग एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, लेकिन इस तरह की जब मुलाकात होती है तो शिष्टाचार मुलाकात एक दूसरे से करते हैं। सुशील मोदी ने और अनंत सिंह ने दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है और एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। ये तस्वीर किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई, लेकिन हमने इस तस्वीर को देखा है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि राजनीति जो है वो करवटें बदलती रहती है। तो अनंत सिंह आज सदन में आए थे, एक बार फिर से सुनिए अनंत सिंह क्या कह रहे हैं। लगातार आपके लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सरकारें हैं उनका क्या होगा? अच्छा, कोई खास मकसद लगता है क्या आपको? नहीं, कोई सर बात नहीं। लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं वो निकाला जाए, लोकसभा तो सरकार है। लगातार आपके लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, सरकारें हैं उनका क्या होगा? अच्छा, कोई खास मकसद लगता है क्या आपको? नहीं, कोई सर बात नहीं। लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं वो निकाला जाए, लोकसभा तो सरकार है। तो ये थे अनंत सिंह, जो कि छोटे सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। हमने उनसे सवाल पूछा था कि आपके करीबी लोगों पर कार्यवाही हो रही है, क्या कहेंगे, तो उनका जो पुराना अंदाज है जिसमें वो हमेशा मुस्कुरा के ही कहते हैं, उन्होंने आज भी उसी मुस्कुराहट के साथ कहा है कि सरकार ही उनकी है तो क्या कहा जाए। फिलहाल अनंत सिंह आज आए थे सदन में, आगे भी आएंगे तो हम उनको कवर करेंगे। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।